जो इस फील्ड में है मॉडल, जो आज तक सक्सेस नहीं थी, लोग आज तक टोल रोड को, रोड को, NHI को लोग है मॉडल के लिए जानते हैं। अब हम बेस्ट वाटर मैनेजमेंट में HNB के द्वारा नमामि गंगे के प्रोजेक्ट करने के बाद है मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है। एट प्रेजेंट इन NCR अराउंड 22 प्लांट्स इन इंडिया, ओनली कंपनी दोज हु आर गिविंग ट्रीटिंग दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को लेके आ चुका हूँ वाटर एंड बेस्ट एक्सपो 2023 के अंदर। यहाँ पर हम लोग एक कंपनी के पास में आए हुए हैं जिसका नाम है HNB इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो है पूरी की पूरी प्लांट बनाती है, पीछे में प्लांट भी शोकेस कर रखा है। सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, साथ में हमारे सर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप। अच्छे हैं। मेरा नाम सुनील प्रसाद हुआ, मैं HNB के इंजीनियर्स के नॉर्थ इंडिया का हेड हूँ। HNB इज द वेरी ओल्डेस्ट कंपनी, लास्ट 49 ईयर्स वी आर डूइंग इन द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। देयर इज टू टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इन द एनी सिटी, वन इज सॉलिड वेस्ट, अनदर इज बेट वेस्ट। वी आर इन द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ओनली फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, ग्रोन अप इन इंडिया, 100% गिविंग द कंप्लीट सोल्यूशन इन डिजाइनिंग, इन ड्राइंग्स, इन मैनुफैक्चरिंग, इन कंस्ट्रक्शन, इन ओएंडम, एंड मेनली लीडिंग मैनुफैक्चर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इक्विपमेंट्स। एट प्रेजेंट इन NCR अराउंड 22 प्लांट्स इन इंडिया, ओनली कंपनी दोज हु आर गिविंग ट्रीटिंग दी 15,000 MLD से ज़्यादा की ट्रीटमेंट प्लांट करने वाली कंपनी है। 1973 इंस्टॉलेड एंड डन पैन इंडिया ऑलमोस्ट एवरीवियर्स। फर्स्ट प्लांट इन बेस्ट ऑन दी SBR इन गोवा इज डन बाई दिस कंपनी। फर्स्ट नमामि गंगे का जब दो मॉडल आया, एक EPC, दूसरा हैम मॉडल्स की फर्स्ट प्लांट्स जो हरिद्वार में गंगा माँ गंगा को समर्पित है, वो प्लांट इसी कंपनी ने किया है, जिसके बाद से आज के दिन में गंगा मिशन या गंगा से रिलेटेड सफाई अभियान या बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जो है वो आज चल चुकी है। और मैक्सिमम आज के दिन में लाइव अराउंड 10 टेंडर है और 25 टेंडर पे हैम मॉडल पे काम हो रही है। हैम मॉडल का भी हम अगर जनक बोल सकते हैं तो HNB इंजीनियर्स है, और यह हैम मॉडल आज के दिन में वो मॉडल है जो मोदी जी का और स्वच्छ गंगा, अर्थ गंगा, इसके लिए जो काम कर रही है, जिसमें आज के दिन में हम नमामि गंगे के लगभग 4 या 6 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट हरिद्वार, जगजीतपुर, सराय, फरुखाबाद, फतेहगढ़, ये इस एरिया में हैं। हम ऑलमोस्ट NCR में हमारी प्रेजेंस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इड्डा, वेस्टर्न UP में मोदी नगर, बुलंदशहर, दिल्ली जल बोर्ड, फरीदाबाद, इन सभी एरिया में हैं। और ये पहचान है कि इतनी पुरानी कंपनी इतने दिन से सस्टेनेबल 100% डिलीवर करने वाली इन हाउस कंपनी आज के दिन में वन सोल्यूशन देने वाली। नाउ वी आर वर्किंग फॉर द कंप्लीट सिटी ऑल्सो। इफ सिटी में जितने टाइप की प्रॉब्लम होती है, कलेक्शन, पंपिंग, ये कंपनी करती है, पंपिंग की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, पंपिंग करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट्स करने के बाद आगे। अभी हम एक प्लांट के बारे में ये बताते हैं, इसके लीजिए अप साइड से। ये एक जो हम प्लांट देख रहे हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड की एक बड़ी सी प्लांट है इन दी बॉर्डर ऑफ नोएडा एंड दिल्ली। उस साइड में जो दिखाई दे रही है, इसको प्लांट को चालू करो। ये जो है ये गाजीपुर ट्रेन है, और जिसपे सहादरा ट्रेन होते हुए आती है। यहाँ से ये पानी बियर्स के थ्रू यहाँ से इंटर होता है, और बियर से इंटर होने के बाद ये पंप हाउस में, जहाँ किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट में दो टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। फर्स्टली हम लोग इनऑर्गेनिक को रिमूवल करते हैं, जो हमारा प्राइमरी यूनिट है। इस प्राइमरी यूनिट्स में स्क्रीनिंग, ग्रिट्स, अदर रिमूवल के माने फ्लोटिंग पार्टिकल्स एंड डिजोल्व पार्टिकल्स, ये दोनों रिमूव होते हैं। ये रिमूव होने के बाद जो ऑर्गेनिक मास है वो आगे चली जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिटेट यूनिट। दिस कॉम्बिटेट यूनिट इज आवर पेटेंटेड।
वाई वी हैव पुटेड दी कॉम्बिटिट, कॉम्बिटिट डालने के पीछे ये था कि आज इंडिया में पावर की कॉस्ट है। हम पावर बनाते हैं सीवर से, उस पावर को यूज करते हैं और पोटेंशियल ऑफ दी बीओडी को डाउन करके आगे इसकी ट्रीटमेंट में लगने वाली जो पावर है उसको कम करते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएसटी, एसएसटी, डाइजेस्टर, मिक्सर एंड गैस होल्डर, ये पांच का कम्बिनेशन है। अगर ये कम्बिनेशन हटा दिया जाए तो इसके लिए जो लगने वाली जगह है इससे हो सकता है 3 times ज़्यादा होगा। आज जहाँ की कैपिटल कॉस्ट का महत्व है, इस तरीके से ये ऐसे कॉम्पैक्ट प्लांट की डिमांड आ गई है। इसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस को निकालते हुए ये दिस इज कॉल्ड SBR टैंक। SBR मीन्स सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर। इन इंडिया 7 types ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, उस इन बीच SBR इज द लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड वी आर द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। दिस इज कॉल्ड एरिएशन सिस्टम, एरोबिक एक्शन। एरोबिक एक्शन में इसमें ब्लोवर के थ्रू DO दिया जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन दिया जाता है, जो इसके ऑर्गेनिक लोड को तोड़ के दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो ट्रीटेड वाटर बोलते हैं जो निकल के यूज के लिए आ जाती है, दूसरा पार्ट जो स्लज आता है जो आगे निकल के इसको यूज आते हैं। इसी तरीके से इसका दो प्रोडक्ट है, एक है जो गैस के बारे में हमने बताया, उसको प्यूरीफाई करके गैस इंजन बनाते हैं। इस प्लांट की एक खूबी है, जो इंडिया में केवल अभी तक 4 plants बने हैं, यहाँ एक हाइड्रो पावर भी है। इस हाइड्रो पावर से इतनी पावर, जब हम ट्रीटेड वाटर को कहीं यूज में लेने के पहले इन पाइप पेन स्टॉक पाइप से इसका पोटेंशियल यूज करते हैं, जो 75 kW, इसी तरह से यहां से गैस इंजन 250 kW करते हुए, जिसकी रिक्वायरमेंट 1600 थी, जिसके जगह पे हमारा केवल 600 kW में प्लांट चलती है, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लांट वी गॉट द मैसेज फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड इन 2014। आज के दिन में इस टेक्नोलॉजी पे किसी भी लेटेस्ट ओल्डेस्ट किसी भी प्लांट को अपग्रेड किया जा सकता है। हमारी कंपनी आप सभी लोगों दर्शकों के लिए अनुरोध करती है, प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाएं। हमारी वेबसाइट www.hnbc.in है और यू कैन ईमेल विद द मोर डिटेल्स बाय गेटिंग द ईमेल आईडी फ्रॉम द आवर वेबसाइट्स। प्लीज join us to get more information. Thank you. तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे प्लांट के बारे में हमें समझाया, बहुत ही अच्छे से बताया, साथ ही में आपने एक मशीन भी शोकेस की गई है, अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं तो हम ज़्यादा ब्रीफ में समझ पाएंगे। ये जो डिकेंडर्स हैं, आदमी जब कभी परेशानी में आता है, एक तरीके से कहिए कि जब कभी एक कोठरी में बंद किया जाता है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ये कोरोना काल जब चाइना पूरी वर्ल्ड फेस कर रही थी और यह आज तक ये मटेरियल्स केवल एक्सपोर्ट से ही आता था, तब हम लोगों ने इंडिया में इसकी बनाने की ठान ली, बिकॉज हमारी डिलीवरी टाइम, या कुरियन कंपनी, चाइनीज कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, दे आर नॉट रेडी टू डिलीवर विद इन द आवर सप्लाई शेड्यूल टाइम। देन HNB आवर ट्रेड नेम, दे स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय इंडियन कंपनी, दैट इज कॉल्ड HNB। दिस इज डिकेंडर, दिस इज डिकेंडर, दिस इज द फ्लोटिंग टाइप ऑफ द डिकेंडर्स। देयर आर लॉट ऑफ डिकेंडर टाइप्स, 2-3 डिकेंडर्स वी आर मेकिंग फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। वन दिस डिस्प्लेड इज द फ्लोटिंग टाइप, अनदर इज मूविंग बियर, फिक्स बियर, दिस इज द गियर ऑन विच इज इट इज रोटेटिंग। नाउ इट्स 100% मेक इन SS304 इन इंडियन कंपनी बाई HNB। दिस डिकेंडर कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट एज वेल एज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन एनी वेयर। थैंक यू।
तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि देखा कि HNB कंपनी का कितना बड़ा प्लांट और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में बताई सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग भी इस प्लांट के साथ में जुड़ सकते हैं, बाकी की जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सर।